उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र आज, धामी सरकार आज देगी बजट के उपहार, विपक्ष के तेवर तल्ख, पहले दिन हंगामे के असर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान, कहा चुनौतियों से निपटने को साझा प्रयास की जरूरत। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी को झटका, प्रदेश अध्यक्ष दीपक भाली ने दिया इस्तीफा, कहा पार्टी के साथ चलने में असहजता। देश में खत्म होने वाला है तेल, पेट्रोल पंप पर उमड़ी भारी भीड़, अफवाह ने रुड़की में मचाई अफरा तफरी। दिल के दौरे से केदारनाथ में दो तीर्थयात्रियों ने तोड़ा दम, अब तक हो चुकी है 78 श्रद्धालुओं की मौत। उत्तराखंड में सबसे गर्म रहा दून, पारा 41 डिग्री के पार, 15 जून शाम से बदलेगा मौसम। आप देख रहे हैं की न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं गरिमा वाजपेयी, आप देख रहे हैं के न्यूज़ इंडिया और खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। देहरादून से खबर है, आज से शुरू होगा विधानसभा का बजट सत्र और आज धामी 2.0 का पहला बजट है। सरकार को घेरने का विपक्ष का भी प्लान तैयार है, बजट से सबको काफी उम्मीदें हैं। बजट में किसे क्या मिलने वाला है आज ये भी सामने आ जाएगा। धामी 2.0 का पहला बजट 4 बजे होगा पेश, लगभग 64,000 करोड़ का हो सकता है इस बार का बजट। आर्थिक सर्वेक्षण को लेकर विपक्ष भी रहेगा सतर्क, सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होगी। बजट सत्र आज 14 जून से लेकर 20 जून तक चलेगा और बजट सत्र के दौरान हंगामे के भी आसार हैं। बजट में किसके लिए क्या होगा ये भी देखना होगा, रोजगार बढ़ाने और पलायन रोकने पर भी फोकस होगा। किसानों के लिए बड़ी घोषणा भी संभव है, होम स्टे को लेकर बड़े ऐलान की संभावना है और पर्यटन और स्वास्थ्य को लेकर भी बड़ी घोषणा संभव है। कानून व्यवस्था को लेकर भी बड़े ऐलान हो सकते हैं, साथ ही शिक्षा पेयजल के लिए बजट में क्या कुछ खास रहेगा ये आज स्पष्ट होने को है। बड़ी खबर, युवाओं और महिलाओं के लिए भी यहाँ पर बड़े ऐलान आज के इस बजट में हो सकते हैं। कर्मचारियों के वेतन भत्तों को लेकर भी ऐलान संभव है। तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि विपक्ष का भी प्लान तैयार है, कई मुद्दों पर सरकार को विपक्ष की घेरने की तैयारी पूरी हो चुकी है। बजट सत्र के लिए विपक्ष का प्लान तैयार है, विपक्ष सरकार को सदन में घेरेगा। कांग्रेस ने आक्रामक प्लान बनाया है सरकार को घेरने का, चार धाम और कुंभ घोटाले पर भी घेरने की तैयारी है। तो सरकार को चार धाम यात्रा और कुंभ घोटाले पर भी घेरने की तैयारी फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। किसानों के लिए बड़ी घोषणा संभव है, तो बड़ी सौगातें आज उत्तराखंड की जनता को इस बजट में मिल सकती हैं। होम स्टे को लेकर बड़े ऐलान की भी संभावना जताई गई है और पर्यटन और स्वास्थ्य को लेकर बड़ी घोषणा भी संभव है, अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कानून व्यवस्था को लेकर भी बड़े ऐलान हो सकते हैं, शिक्षा और पेयजल के लिए बजट में खासा जोर होगा। तो ये आम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर शिक्षा और आपको बता दें कि कानून व्यवस्था को लेकर भी खासा जोर होने की बात सामने आई है। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं। कर्मचारियों के वेतन भत्ते को लेकर भी बड़े ऐलान आज के इस बजट में संभव है। वहीं दूसरी ओर विपक्ष का भी सरकार को घेरने का प्लान पूरी तरह से तैयार हो चुका है और ये बड़ी खबर, कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी विपक्ष कर रहा है, कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी है। चार धाम यात्रा और साथ ही साथ कुंभ घोटाले को लेकर भी विपक्ष सरकार को घेर सकता है और कांग्रेस ने आक्रामक प्लान सरकार को घेरने का बनाया है। तो कांग्रेस की ओर से सरकार को घेरने का आक्रामक प्लान बनाया गया है। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता देते हैं, जहां पर आज धामी 2.0 का पहला बजट होगा। हमारे साथ हमारे संवाददाता दानिश अली जुड़ चुके हैं। दानिश, आज सरकार बजट पेश करने जा रही है और धामी 2.0 का ये पहला बजट है, लेकिन जनता को बड़ी उम्मीद है, क्या लगता है आज का बजट कितना खास हो सकता है? दानिश, आवाज पहुंच रही है अब तक? जी बोलिए जी। दानिश, आज सरकार अपना बजट पेश कर रही है, विपक्ष ने मजबूत प्लान तैयार कर लिया है सरकार को घेरने का, लेकिन सबसे अहम जनता की बड़ी उम्मीदें हैं, क्या लगता है कि क्या उम्मीदों पर ये बजट आज खरा उतरने वाला है?
मैं आपको बता दूं कि आज धामी सरकार का जो 2.0 जो सरकार बनकर प्रदेश में आई, उसका पहला बजट आम बजट आने वाला है, जो आज विधानसभा सत्र की 11 बजे से जो कार्रवाई है वो शुरू हो जाएगी। और लगभग जो कार्रवाई की शुरुआत में जो 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 पढ़े जाएंगे जो पढ़े जाएंगे, उसके बाद 4 बजे करीब बजट विधानसभा सदन के पटल पर रखा जाएगा। उसके बाद बजट पर चर्चा होगी। पूरी तैयारियां जो है वो विधानसभा सत्र को लेकर कर ली गई है, चाहे वो प्रशासन की तरफ से हो या फिर सचिवालय की तरफ, तो सभी तैयारियां वो कर ली गई हैं। बजट बजट को लेकर जो कहीं ना कहीं जो तैयारियां हैं वो जो शुरू से ही सरकार कर रही है, क्योंकि आम जो लोगों की है उन्होंने राय मांगी, तमाम जो राय जो जनता की तरफ से दी गई थी, जो ऑनलाइन उन्होंने एक नंबर भी जारी किया गया था, तो उसके बाद ये बजट तैयार किया गया है। तो तमाम उम्मीदें इस बजट से लगाई गई हैं। और जो विपक्ष अगर देखा जाए तो उसमें कहीं ना कहीं इस विधानसभा सत्र के दौरान कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष को घेरने का काम करेगा, क्योंकि विधानसभा सत्र जो ये होना था वो गैरसैंण में होना था उसको, लेकिन जो सरकार की तरफ से विधानसभा सत्र देहरादून में आयोजित किया जा रहा है, तो तमाम जो परेशानियों को हवाला देते हुए जो सरकार की तरफ से और जो विधानसभा की तरफ से कि गैरसैंण में इस वक्त जो यात्रा चल रही है, गैरसैंण में सत्र करना संभव नहीं हो पाएगा, इसलिए देहरादून में सत्र किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो विपक्ष है वो सत्ता पक्ष को गैरसैंण के मुद्दे पर भी कहीं ना कहीं घेरता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ महंगाई, बेरोजगारी और बेरोजगारी और अन्य जो तमाम जो मुद्दे हैं उन पर भी घेरता हुआ नजर आएगा। तो कहीं ना कहीं ये हंगामा ये सत्र होने जा रहा है। बिल्कुल, यानी हंगामेदार सत्र के जो आसार हैं वो पहले से ही दानिश दिखाई दे रहे हैं। लेकिन दानिश, आपने बड़ी महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर की कि विपक्ष जो है वो कई बड़े मुद्दों को लेकर सरकार को घेर सकता है। विपक्ष के पास प्लान तैयार है, लेकिन सरकार के पास भी इस बार चुनौती कम नहीं है। धामी सरकार पर विश्वास किया उत्तराखंड की जनता ने, जो रिकॉर्ड अब तक बनाता चला आया था कि सरकारें रिपीट नहीं होती, वो टूटा है। तो विश्वास पर कहीं ना कहीं सरकार को भी खरा उतरना होगा, क्योंकि धामी का ये पहला बजट है। तो क्या लगता है कि क्या इस बार, क्योंकि उत्तराखंड में समस्या भी बहुत सारी है, कर्ज सबसे बड़ी समस्या है, इन सबको क्या ध्यान में रखते हुए इस बार धामी सरकार ने बजट जो है वो तैयार किया है? बिल्कुल गरिमा, जो सरकार दोबारा से, क्योंकि एक मिथक तोड़ते हुए दोबारा से प्रदेश में सरकार बनाने का काम भाजपा ने किया, तो कहीं ना कहीं जो भाजपा में एक प्रेशर इस वक्त है कि जनता की जो उम्मीदें हैं, जनता ने उम्मीद जताकर ही दोबारा से उनको सत्ता में काबिज किया और एक बड़े बहुमत के साथ उनको सत्ता में लौटाने का काम किया। तो कहीं ना कहीं जो एक प्रेशर जो है भाजपा सरकार पर रहने वाला है, क्योंकि इसको देखते हुए जो जनता ने उनको एक पूर्ण बहुमत दिया, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं बजट को भी उन्होंने आम जनता की राय मांगने का काम उनके द्वारा किया गया। और आम जनता के बाद ही, क्योंकि मुख्यमंत्री लगातार ये कहते रहे हैं कि आम जनता की राय इसमें जो बजट तैयार किया गया है उसमें शामिल की गई है, साथ ही साथ जो आम जनता ने जो सुझाव दिए थे उस पर खास फोकस दिया गया है बजट में। तो कहीं ना कहीं जो ये प्रेशर है कहीं ना कहीं उसको कम करने का काम ही बजट करेगा, क्योंकि लगातार जो भी जो भाजपा सरकार है, जो मुख्यमंत्री है, वो लगातार कहते रहे हैं कि बजट जनता की जनता को सहूलियत देने का काम करेगा, क्योंकि एक ऐतिहासिक बजट होने जा रहा है, क्योंकि जो मुख्यमंत्री लगातार कह रहे हैं कि ऐतिहासिक बजट यह तैयार किया गया है। और जब सदन के पटल पर रखा जाएगा और जब सबके बीच में आएगा तो सबको लगेगा कि हाँ, ये जनता के लिए एक बेहतर बजट है और जनता को सहूलियत देने वाला बजट है। तो कहीं ना कहीं तैयारियां जो है बजट को लेकर सरकार की तरफ से पूरी कर ली गई थी, आम जनता की राय भी मांगी गई थी, उसके बाद ये बजट तैयार किया गया। तो कहीं ना कहीं सुनिश्चित यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं सरकार की, उनकी द्वारा जो बजट तैयार किया गया है वो बेहतर बजट उत्तराखंड के लिए होगा। हालांकि आपने जो बात की कर्जा जो है, हाँ, उत्तराखंड पे लगातार बढ़ रहा है वो, बिल्कुल। तो यानी दानिश, इन सारी चीजों को ध्यान में जो है वो सरकार ने रखा है। खैर, बजट को लेकर आगे भी हम आपसे विस्तार से चर्चा करेंगे, फिलहाल बने रहेगा हमारे साथ में। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक के लिए आप रुक रहे, कहीं मचाएगा, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। हर लेट नाइट पार्टी स्टेशन का जश्न, जहाँ इंडिया करे सेलिब्रेशन, वहाँ होए दशन का जश्न। राजश्री राइजी, दशन का जश्न। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ, सिर्फ के न्यूज इंडिया। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी।
देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आज उत्तराखंड की जनता के लिए बड़ा दिन, क्योंकि आज उत्तराखंड सरकार के बजट का पिटारा खुलने वाला है और जनता को उम्मीदें इस बजट से बनी हुई हैं। दानिश हमारे साथ, हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं, और आपको बता दें कि आज पहला बजट जो है वो पेश होने वाला है धामी 2.0 का। दानिश, अभी आपने बताया कि कई क्षेत्र हैं, लगभग सभी क्षेत्रों को कवर करने की धामी सरकार की कोशिश होगी, लेकिन कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो उत्तराखंड की मूल समस्याएं कही जाती हैं, जो सबसे बड़ी समस्याएं हैं, चाहे पलायन हो, क्योंकि रोजगार के चलते समस्याएं आती हैं युवाओं के सामने, जिसके चलते वो प्लान कर जाते हैं। क्या लगता है कि इस बार के बजट में क्या रोजगार जो है वो भी आ सकते हैं, क्या बेरोजगारी दर जो है वो कम हो सकती है, बजट से कितना असर युवाओं पर पड़ने वाला है, कितना फायदा उनको मिलने वाला है, इसको लेकर कोई जानकारी आपके पास? जी करीमा, अगर मैं बात करूं बेरोजगारी और पलायन की, तो अहम मुद्दा है उत्तराखंड की जो राजनीति है उसमें अहम एक स्टैंड करता है कहीं ना कहीं, क्योंकि बेरोजगारी और पलायन को लेकर लगातार प्रदर्शन होते रहे हैं, लगातार जो सरकारों की फजीहत होती रही है, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं जो धामी सरकार है कहीं ना कहीं इसको लेकर जो बजट में कहीं ना कहीं उनकी झलकी दिख सकती है। बेरोजगारी को लेकर जो एक रोजगार देने का काम जो बजट में कहीं ना कहीं जो रखा जाएगा, किस तरह से उसका मैप होगा, किस तरह की जो आगे की रणनीति होगी वो तैयार की जाएगी, साथ ही साथ जो पलायन को लेकर, क्योंकि अहम जब रोजगार की बात आती है तो पलायन की खुद ब खुद बात उत्तराखंड में आती है, क्योंकि रोजगार के लिए ही यहाँ से पलायन होता है, तो कहीं ना कहीं जो बजट है, बजट में कहीं ना कहीं रोजगार को लेकर अहम जगह दी गई होगी, क्योंकि जो पलायन है उसको भी उसको साथ में देखा जाए तो दोनों ही एक दूसरे से संबंध रखते हैं, तो कहीं ना कहीं रोजगार बढ़ाने पर भी फोकस जो है वो इस बार जनता के लिए रहा जरूर होगा सरकार का। लेकिन अगर बजट की बात हो और आधी आबादी की बात ना हो तो अधूरा रह जाएगा। जनता के साथ साथ जो महिलाएं उत्तराखंड की हैं वो भी इंतजार कर रही हैं आज के इस बजट की, क्योंकि जब बजट बिगड़ता है तो महिलाओं के किचन पर बड़ा असर पड़ता है। क्या लगता है कि आज के इस बजट में क्या महिलाओं के लिए भी कुछ खासा चीजें जो है वो सामने आ सकती है, महिलाओं के विकास के लिए, सशक्तिकरण के लिए बजट में क्या कुछ खास होने वाला है? जी बिल्कुल, भाजपा सरकार हमेशा कहती है कि महिलाओं के लिए, महिलाओं के साथ वो कंधे से कंधा मिलाकर चलने का काम करती है, साथ ही साथ महिलाओं को उद्धार के लिए हमेशा वो तत्पर रहती है, और जो तीन सिलेंडर की जो सरकार ने दृष्टि पत्र में जारी किया था, तीन सिलेंडर देने का काम करेंगे सरकार ने, उस पर काम करते हुए तीनों सिलेंडर जो, हालांकि जो बीपीएल के माध्यम से उन्होंने देने का वादा किया था, तीनों सिलेंडर की उन्होंने जो विभागीय मंत्री हैं जो रेखा आर्या, उन्होंने पहले ही इसको साफ कर दिया था, और तमाम जो महिलाओं को लेकर जो लगातार जो वादे बीजेपी, क्योंकि हम जो विधानसभा चुनाव गुजरे हैं उसमें कहीं ना कहीं जो महिलाओं का एक बड़ी भागीदारी भाजपा को वोट करने में रही है, तो कहीं ना कहीं जो सरकार, भाजपा सरकार है, उसका कहीं ना कहीं एक फोकस महिलाओं पर रहेगा, और महिलाओं को कहीं ना कहीं इस बजट में उनको कहीं ना कहीं सहूलियत देने का काम ये बजट करने वाला है, तो कहीं ना कहीं महिलाओं को भी खास चीज इस बार मिलने वाली है और खुशी उनको मिलने वाली है। जी बिल्कुल, तो यानी बेहद खास यह बजट आज उत्तराखंड के सभी वर्ग और सभी क्षेत्र के लोगों के लिए होने वाला है। कर्मचारियों के लिए बताया जा रहा है कि भत्ते को लेकर कुछ बड़े ऐलान जो हैं वो हो सकते हैं, होम स्टे को लेकर, तो क्या इन सभी क्षेत्रों को लोग आज उम्मीद लगाए बैठे हैं बजट से? बिल्कुल, पर्यटन के क्षेत्र में कहीं ना कहीं देखा जाए तो होम स्टे एक अहम चीज है, क्योंकि जो विभागीय मंत्री वो लगातार इस और खास फोकस बनाए हुए हैं, क्योंकि होम स्टे एक बड़ी योजना कही जाए तो बड़ी योजना उत्तराखंड के लिए है, तो कहीं ना कहीं पर्यटन को लेकर एक बड़ा, क्योंकि पर्यटन उत्तराखंड पर्यटन प्रदेश कहा जाता है, पर्यटन को अहम जो यहाँ पर एक जगह दी जाती है, पर्यटन को फोकस किया जाता है, तो उसको कहीं ना कहीं एक अहम यहाँ पर बजट में देखने को मिल सकता है। बजट कहीं ना कहीं जो पर्यटन को लेकर एक खास बजट ये आने वाला है, तो कहीं ना कहीं पर्यटन के लिए भी रहेगा। जी बिल्कुल, तो ये काफी अहम जो है हर एक क्षेत्र के लिए बजट होने वाला है। दानिश, ये तो बजट को लेकर विस्तार से बातचीत हो गई, लेकिन अभी हम अपने दर्शकों को बता रहे थे कि विपक्ष के पास भी आज एक मजबूत प्लान है, हंगामेदार जो है वो सत्र हो सकता है, क्योंकि चार धाम यात्रा हो या फिर घोटाले हुए इसके पहले धामी सरकार के कार्यकाल में ही, और कुंभ घोटाले को लेकर भी आज सरकार जो है, सरकार को घेरा जा सकता है विपक्ष की ओर से। बिल्कुल, इस बार जो सत्ता विपक्ष है वो सत्ता पक्ष पर भारी नजर आता है, क्योंकि पहले जो विधायक थे उनके 11 विधायक थे, लेकिन इस बार जो है वो कहीं ना कहीं बढ़कर 19 हो गए, तो कहीं ना कहीं जो इस बार जो सत्र, और हालांकि जो चार विधायक जो है वो निर्दलीय विधायक है, तो कहीं ना कहीं, नहीं माफी चाहूंगा, दो विधायक निर्दलीय है, दो विधायक है, तो कहीं ना कहीं इस बार जो विधानसभा में कार्रवाई रहेगी कहीं ना कहीं हंगामेदार रहेगी, क्योंकि विपक्ष जो है सत्ता पक्ष को घेरने का काम करेगा, और तमाम जो मुद्दे
हैं, क्योंकि महंगाई, बेरोजगारी और जो अन्य मुद्दे, और क्योंकि आपने घोटालों की बात की, तो जो जो कुंभ में जो चेकिंग घोटाला हो उसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है, तो और अन्य चीजों को लेकर भी कहीं ना कहीं सरकार लगातार कर रही है। और साथ ही साथ जो धामी सरकार है वो एक्शन मूड में इस बार कहीं ना कहीं जब सत्ता में वापस आए तो कहीं ना कहीं जो एक्शन मूड में लगातार, चाहे वो आरटीओ पुठोई की बात, उन्होंने औचक निरीक्षण किया, उसके बाद नदारद पाए गए, उनको उनको निलंबित करने का काम उनके द्वारा किया गया, तो लगातार ताबड़तोड़ फैसले मुख्यमंत्री ने लिए हैं। और कहीं ना कहीं जो बजट में जो रहने वाला है, कहीं ना कहीं जो सत्ता पक्ष को घेरने का काम विपक्ष करने वाला है, तो तमाम अन्य मुद्दे, चाहे वो घोटाला हो, बेरोजगारी हो, को भी कहीं ना कहीं विपक्ष के सवालों का जवाब जो है वो देना होगा, और साथ ही साथ जनता की उम्मीदों पर भी खरा उतरना होगा, क्योंकि जनता ने बड़ी उम्मीद लगाकर बड़े विश्वास के साथ सरकार जो है वो वापसी दिलाई थी धामी को। शुक्रिया आपका दानिश हमारे साथ जुड़ने के लिए और अधिक जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आज बजट का पटारा खुलेगा, कांग्रेस ने आक्रामक प्लान बनाया है, आज से बजट सत्र की शुरुआत हो जाएगी और फिर बजट का पटारा जो है वो सामने आ जाएगा, क्या कुछ उत्तराखंड की जनता के लिए स्पष्ट हो जाएगा। आज से विधानसभा में बजट सत्र की शुरुआत, देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए फिलहाल यहां पर रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। हर लेट नाइट पार्टी टेशन का जश्न, चौड़ी हो छाती तो जहां इंडिया करे सेलिब्रेशन, वहां होए टशन का जश्न। राजश्री वाईजी, टशन का जश्न। आठ साल में हमने संभव को संभव कर डाला है, नवयुग के सूरज का देखो पश्चिम में भी उजाला है। आत गई अब दिन आएगा भी तो ये बस भोर है। सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण। कुछ दिन ऐसे होते हैं व्हेन आई लव माय जॉब, और कुछ दिन ऐसे होते हैं कि आई हेट इट। एक पायलट पे होता है इतना प्रेशर कि कूल रहना इज नॉट दैट इजी, पर गर्मी में घर को कूल रखना इज नाउ टू इजी विद समर कूल कूलर्स। समर कूल सेलिब्रेट्स द रिलीज ऑफ रनवे 34। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर है काशीपुर से, जहां पर आम आदमी पार्टी को एक और बड़ा झटका लगा है। अजय कोटियाल के बाद प्रदेश अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया है। दीपक बाली ने अपने पद और सदस्यता से दिया इस्तीफा। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बाली भी जा सकते हैं भारतीय जनता पार्टी में। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका। पहले ही आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री चेहरा रहे कर्नल अजय कोटियाल ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, और अब दीपक बाली ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, अपने पद और सदस्यता से इस्तीफा दिया है। अजय कोटियाल ने इस्तीफे के बाद भाजपा का थामा था दामन। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बाली भी जा सकते हैं भारतीय जनता पार्टी में। सूत्रों के हवाले से अब बड़ी खबर आपको बता दें, दीपक बाली भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं। बड़ा झटका आम आदमी पार्टी को उत्तराखंड में लगा है। काशीपुर से खबर है, आम आदमी पार्टी को एक और बड़ा झटका। कर्नल अजय कोटियाल के इस्तीफे के बाद अब दीपक बाली ने भी इस्तीफा दे दिया है। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बाली ने इस्तीफा दिया है, ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तो फिलहाल ये बड़ी खबर सामने आ रही है, दीपक बाली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और प्रदेश अध्यक्ष दीपक बाली भी बीजेपी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं प्रदेश अध्यक्ष दीपक बाली। आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका यहां पर लगा है, बड़ी खबर आपको बता दें, आम आदमी पार्टी को लगा बड़ा झटका। दीपक बाली ने अपने पद और सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है।
उत्तरकाशी से खबर है जहां पर आज खुलेंगे बाबा बोकनाग महाराज के कपाट। कंसेरू थाने में विराजमान है इष्ट देव। सफाई व्यवस्था में एक दर्जन से अधिक गांव के लोग लगे हुए हैं। आज कंसेरू से मुख्य थान भाटिया पहुंचेंगे बोकनाग महाराज। कंसेरू में आज होगा विशाल भंडारा और दर्शन करने आएंगे दूर दूर गाँव से श्रद्धालु। दूर दूर गाँव के श्रद्धालु आएंगे दर्शन करने। फिलहाल ये अहम खबर आपको बता दें, व्यवस्थाओं में जुटे हैं मंदिर समिति व पुरोहित समाज। हर साल जून महीने में होता है बाबा बोकनाग का मेला। तो बाबा बोकनाग का मेला हर साल जून महीने में होता है और आज कंसेरू से मुख्य थान भटिया पहुंचेंगे बोकनाग महाराज। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल यह अहम जानकारी जहां पर कंसेरू में आज होगा विशाल भंडारा और फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बताते हैं। दर्शन करने आएंगे दूर दूर गांव से श्रद्धालु। तो दूर दूर गांव से श्रद्धालु दर्शन करने के लिए यहां पर पहुंचेंगे। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। व्यवस्थाओं में जुटे मंदिर समिति व पुरोहित समाज के लोग और हर साल जून महीने में होता है बाबा बोकनाग का मेला। तो हर साल जून महीने में बाबा बोकनाग का मेला होता है। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। कंसेरू थाने में सफाई व्यवस्था में एक दर्जन से अधिक गांव के लोग लगे हुए हैं। तो फिलहाल यह अहम खबर आपको बता दें जहां पर बाबा बोकनाग का मेला हर साल जून महीने में होता है। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। खबर है देहरादून से जहां पर मुख्यमंत्री धामी ने चंपावत उपचुनाव में रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज करने के बाद मुख्यमंत्री विधानसभा सदस्य के रूप में शपथ ले चुके हैं। विधानसभा के प्रकाश पंत भवन के सभागार में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री धामी ने विधानसभा सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण की है और विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने उन्हें शपथ दिलाई। तो वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री धामी ने राज्य की जनता का आभार व्यक्त करते हुए सबको साथ लेकर राज्य के विकास का संकल्प लेने की बात कही है। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व आदरणीय नड्डा जी का, हमारे गृह मंत्री जी का, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का और उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का और साथ में चंपावत क्षेत्र की महान जनता का मैं हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहता हूं कि आज मुझे एक विधायक के रूप में आज इस समारोह में मैं आज विधिवत रूप से शपथ लेकर सेवा के लिए पुनः जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम के तहत जनता को समर्पित हो गया हूँ और मैं उत्तराखंड राज्य के सभी देवतुल्य मतदाताओं का भी अभिनंदन करना चाहता हूँ इस अवसर पर कि उन्होंने उत्तराखंड के अंदर एक मिथक तोड़ने का काम किया, एक इतिहास बनाने का काम किया कि भारतीय जनता पार्टी की दो तिहाई बहुमत की सरकार बनाई। हम आज संकल्प लेते हैं कि हम हर प्रकार से उत्तराखंड को उत्कृष्ट उत्तराखंड बनाएंगे, हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाएंगे और जब हमारा रजत जयंती वर्ष मनाया जा रहा होगा तो उस रजत जयंती वर्ष में हमारा राज्य हिंदुस्तान के आदर्श राज्यों में से होगा, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। आज चारधाम यात्रा चल रही है, चारधाम यात्रा को भी खबर देहरादून से जहां पर उत्तराखंड के पांचवें विधानसभा के दूसरे सत्र के कार्य संचालन एवं विधायी कार्यों का एजेंडा तय करने के लिए उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण की अध्यक्षता में कार्यमंत्रणा की बैठक आहूत की गई है। कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में 14 से 16 जून तक का एजेंडा तय किया गया जिसमें अध्यादेशों को पटल पर रखा जाना, औपचारिक कार्य, विधायी कार्य और वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु आय का प्रस्तुतिकरण एवं बजट पर चर्चा की जानी है। आगे के उपवेशन के लिए 16 तारीख शाम को पुनः कार्यमंत्रणा समिति की बैठक की जाएगी। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सदन में सारगर्भित और गुणवत्तापूर्ण चर्चा के लिए सभी का सहयोग अपेक्षित है। और उसमें यही मैंने अपेक्षा की है कि सभी के सहयोग से हमारा जो बजट सत्र है वो सुचारू रूप से चले, उसमें अच्छे मुद्दे उठ के आए, डिबेट्स जो चर्चा होती है बजट पर अच्छी चर्चा निकल कर आए और शांतिपूर्वक जनता की बात, क्षेत्र की बात विधायक पटल पर रखें। तो इस अच्छी चर्चा हमारी जो मेरी सर्वदलीय बैठक के साथ लोगों के साथ हुई वो अच्छी रही। उसके बाद कार्यमंत्रणा की बैठक हुई, 15 से 16 तक का बिजनेस
का निर्णय हुआ है और 16 को फिर हम दोबारा बैठेंगे, आगे किस तरह से क्या निर्णय होगा, किस तरह के कार्य हम आगे करेंगे, उसकी बैठक हम 16 को। और इसी बीच एक खबर रुद्रपुर से सामने आ रही है, इस वक्त की आम खबर आपको बताते हैं रुद्रपुर से। तो रुद्रपुर से आम खबर, जहां पर उपचुनाव की मतगणना की शुरुआत हो चुकी है। तो रुद्रपुर से आम खबर, जहां पर उपचुनाव की मतगणना शुरू हो चुकी है, यह बड़ी खबर। वार्ड नंबर 13, वार्ड नंबर 36 में मतगणना की शुरुआत हो गई है। वार्ड नंबर 13 और वार्ड नंबर 36 में मतगणना की शुरुआत हो चुकी है और उपचुनाव की मतगणना शुरू हो चुकी है। फिलहाल ये आम खबर आपको हम रुद्रपुर से बता रहे हैं। तो रुद्रपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, आज रुद्रपुर में उपचुनाव और उपचुनाव की मतगणना शुरू हो चुकी है। रुद्रपुर से खबर, मतगणना शुरू। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।